Hello everyone and welcome to the channel. In this video we are going to discuss how to prepare for class 12th accounts in 2 months. So if you are worried about your board exam of accounts, you have to watch this video because we are going to discuss such tips and tricks which will help you a lot in your board exam preparation. So here is a 2 month schedule jo aapko help karega to prepare for your board exam. So स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि 2 मंथ्स में आपने किस तरीके से फोकस करना है, कैसे पढ़ना शुरू करना है. फर्स्ट 10 डेज 12 डेज आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं, देन उसके बाद आपने किस चैप्टर्स की तरफ मूव करने सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल एंड उसके बाद आप अपनी सक्सेस को फॉर श्योर अचीव कर सकते हो. सी हम सब पढ़ते हैं लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम सब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. हम सब अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जो भी हमारी बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी है, चाहे वो 75 प्लस हो, चाहे वो 80 प्लस हो, चाहे वो 95 प्लस हो, हर कोई अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं. सो अब आपने करना क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है वो हम डिस्कस करते हैं. अपना सबसे पहले तो एक गोल सेट कर लो कि मुझे कितने मार्क्स लेने एंड ऑलवेज ड्रीम बिग बिकॉज बड़ा सोचोगे तभी तो कुछ करोगे. अब करना क्या है, पहली चीज आपने अकाउंट्स को लेके चलनी है कि मैंने क्या करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस. सी मैक्सिमम हम जब ट्यूशंस जाते हैं, चाहे ऑनलाइन जा रहे हैं चाहे ऑफलाइन जा रहे हैं, हम जब भी ट्यूशन जाते हैं तो हमारी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लेक्चर सिर्फ सुनते हैं, हम देखते हैं कि टीचर कैसे सॉल्व करें. अरे देखना भी तो है क्योंकि जब तक टीचर सॉल्व नहीं करेगा तब तक कैसे आएगा. बट जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करोगे यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स. ये चीज लिख के रख लो, जब तक आप उस क्वेश्चन के साथ फाइट नहीं करोगे, आप नहीं देखोगे कि उसकी कमजोरियां क्या है. मीन्स जब तक आप क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करेंगे टिल देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको उसके पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे. अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेंगे कि कौन से पॉइंट्स है जिसमें आप अटकते हो, कौन से पॉइंट्स है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. देन यू विल फोकस ऑन दैट. आप उसके पॉइंट्स नोट करें कि मुझे ये प्रॉब्लम आती थी इस क्वेश्चन को करने में, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 12 डेज में अपना कैसे प्रिपेयर करना है वो डिस्कस करने लगे. और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप ये 12 डेज अच्छे से पढ़ लिए तो आपके श्योरिटी है कि आपके 16 के 16 मार्क्स बोर्ड में फुल के फुल होंगे. अकेले 16 नहीं, आउट ऑफ 80 एटलीस्ट आप ये देख रहे हो कि आपने 80 में से अगर 80 लेने हैं, 80 में 70 लेने हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है ना. ये तो नहीं सीधा 80 के लिए प्रिपेयर करोगे, हर चैप्टर को आप अच्छे से करोगे, उसकी वेटेज को समझोगे, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे. तो फर्स्ट 12 डेज में हमारा फोकस है 16 मार्क्स के ऊपर कि अगर हम ये 12 डेज अच्छे से पढ़ेंगे तो एटलीस्ट हमारे 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे. तो करना कैसे है, पहले आपने बुक 3, अगर आप टीएस गरेवाल फॉलो कर रहे हो तो बुक 3 जो आपको लगी हुई है तो आपको वो लेना है. अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो आपकी सेकंड बुक पार्ट 2 लेना है आपने. उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर है जिसकी वेटेज बोर्ड में अगर आप प्रीवियस ईयर के कितने भी पेपर उठा लो आपको 8 मार्क्स में नजर आएगी. 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन, ये ज्यादातर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलते हैं. देन हेड एंड सब हेड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेड एंड सब हेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ये भी प्रीवियस ईयर के काफी पेपर्स आप पिक कर लो. हार्डली 1 और 2 ईयर्स होंगे जिसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत कम वेटेज का होगा, या कोई 1 ईयर होगा जिसके अंदर इसकी वेटेज नहीं होगी किसी एक सेट के अंदर. बट स्टिल मैक्सिमम पेपर्स में आपको ये 4 मार्क्स में चैप्टर नजर आते हैं और 4 मार्क्स के ही आपको 8 के नियर अबाउट पूछे जाते हैं. ये आइटम से इसके हेड और सब हेड बता दो तो किसी भी तरीके से समटाइम्स हेड पूछा होता है, समटाइम्स सब हेड पूछा होता है बोर्ड के अंदर, तो आपको 4 मार्क्स का ये वेटेज में आते हैं.
देन सेकेंड चैप्टर आपको टीएस गरेवाल में मिलेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बुक थ्री से। तो ये जो अगर आप चैप्टर देखते हो प्रीवियस ईयर काफी आप पिक कर लो तो आपको मिनिमम से मिनिमम ये 2 मार्क्स में नजर आएगा ही आएगा चैप्टर। हार्डली किसी 1 ईयर में किसी एक सेट में नहीं होगा, बट आप देखो ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 2 मार्क्स में होगा ही होगा। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अगर इसको मैं उठाती हूँ तो मुझे प्रीवियस ईयर में इसकी वेटेज 4 मार्क्स में नजर आती है। तो बाय डूइंग ओनली दीज 4 चैप्टर्स आउट ऑफ द बुक 3 आपके 8 मार्क्स 4, 12, 2, 14, 4, 16 मार्क्स फोर श्योर। 12 डेज अच्छे से फोकस करोगे 16 मार्क्स आएंगे। कर तो आप इन चैप्टर्स को एक भी दिन में सकते हो, बट अकेला अकाउंट्स तो नहीं पढ़ना, बिजनेस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इंग्लिश भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। तो मैं सिर्फ अकाउंट्स का इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप डेली अपने मैक्सिमम और मिनिमम मिला के, मतलब कि मैक्सिमम भी यही है मिनिमम भी यही है, आपने 2 आवर्स देने ही देने, 2 आवर्स फॉर अकाउंट्स आपने बांध के रखने ही रखने हैं। हाँ कभी आपको अपना इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देने तो 1.5 आवर आप दोगे ही दोगे, एटलीस्ट दोगे उस दिन जिस दिन आपको लगेगा कि आपको इकोनॉमिक्स या आपको बिजनेस या आपको इंग्लिश या ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा फोकस करने है। बट अगर नहीं, अगर मतलब कि सबको बराबर आपने लेके चलना है तो आपने एटलीस्ट 2 आवर्स तो बेटा देने ही देने। दूसरी चीज, अब आपने कैसे इन 12 डेज में इसको डिवाइड करना है। बच्चे क्या करते हैं, एक ही चैप्टर के पीछे पड़ रहते हैं। नो, आपको करना क्या है, थोड़ा सा हम आपको इसमें हेल्प करते हैं। आपने कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट को अगर करना है तो हार्डली आपके इस चैप्टर को लेके लगने चाहिए 2 डेज। देन अगर आप ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाते हो तो हार्डली आपको लगेगा ओनली वन डे। हेड एंड सब हेड 2 डेज, क्योंकि 1 डे इज फॉर लाइबिलिटी साइड एंड 1 डे फॉर द एसेट साइड, तो हार्डली आपको ये 2 दिन का चैप्टर है। अब 6 डेज में ही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप 1.5 घंटा 1.5 आवर या 2 आवर्स आप डेली देते हो तो 6 डेज इनफ है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट उतना कर लोगे कि बोर्ड में आसानी से आपके 8 out of 8 आ जाए, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब काउंट करते हुए कितने दिन, क्योंकि हमने 12 दिन की स्ट्रेटेजी 12 डेज की स्ट्रेटेजी ली थी। 6 डेज 2, 8, 8 के साथ काउंट करो 1, दैट इज 9, 9 के साथ काउंट करो 2, 11, मैम ये तो 11 डेज है। अब 11 डेज तो है बट मैंने कितना शेड्यूल दिया है 12 डेज का। तो बच्चे आपको ऑन द 12th डे आपको इंस्टाग्राम पे इसका टेस्ट आएगा। या तो आप कोई ऐसा बुक परचेज कर लो जिसमें आपको इसका टेस्ट दी हो, आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मरकरी ट्यूशन सेंटर को फॉलो करना है। वहां पे आपको इन चारों चैप्टर्स का, इन सारे चैप्टर्स का आपको क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा जैसे ये 12 दिन कंप्लीट होंगे। तो आपको वैसे ही 12 के 4 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, आप उसे करें, उसका सोल्यूशन भी अपलोडेड होगा। उससे ये फायदा आपको होगा कि आप सेल्फ इवेल्युएशन कर पाओगे कि 12 डेज में आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने 16 मार्क्स के लिए प्रिपेयर की है, आर यू एबल टू गेट फुल 16 और 14 और 13 और 10? बिकॉज अगर आपको पता होगा कि आप कितना ट्रैक पे हो तभी आप अपनी मंजिल पे, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ओके, इफ यू वॉन्ट कि आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि येस मैम वी वॉन्ट टू प्रिपेयर विद यू। तो आपको डेली शेड्यूल इंस्टाग्राम पे आएगा, आपको डेली शेड्यूल वीडियोस में आएगा, बट आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विद अस, यू वॉन्ट टू प्रिपेयर सेल्फ। तो ये आपको चीज कमेंट बॉक्स में लिखनी है।
तो अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज मरकरी ट्यूशन सेंटर, बिकॉज वहीं पे आपको सारे क्वेश्चंस अपलोड होंगे. रीजन बिहाइंड दैट, अभी हमारी कम्युनिटी ऐप यूट्यूब पे नहीं ओपन हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ 1K सब्सक्राइबर, जो यूट्यूब का थोड़ा कंडीशन है. सो टिल देन, जब तक 1K नहीं होता है, हम अपनी स्टडीज को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, तब तक आप मरकरी ट्यूशन सेंटर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बिकॉज फ्रॉम टुमारो इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जाते थे, सो देट आप एक आइडिया ले सको कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस किया जाएगा. अगर आप चाहते हो कि इन चैप्टर्स की वीडियो, तो कुछ तो हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, रेस्ट इफ यू वांट यू कैन आस्क फॉर द वीडियो इन द कमेंट बॉक्स. आप लिखेंगे जिस वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, हम उस चैप्टर को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, उसकी वीडियोस बनानी शुरू करेंगे, बिकॉज ऑल द वीडियोज आर फॉर योर प्रिपरेशन. तो इफ यू वॉन्ट अ वीडियो यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूँ. तो अभी मैं आपको कल का शेड्यूल बता देती हूँ, जो बहुत इजी है आपके लिए. सो पहले आपको हेड एंड सब हेड को प्रिपेयर करना है, बिकॉज इससे आपके 4 मार्क्स हैं, इट हार्डली टेक्स 2 डेज, और इसकी वीडियोस बनी हुई है चैनल पे. आप हेड एंड सब हेड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लाइबिलिटी साइट सर्च करें विद मरकरी ट्यूशन सेंटर, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे क्लास 12th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट के अंदर थोड़ा सा नीचे सर्च करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. वहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर सिर्फ ये डिस्कस किया है कि कौन सी चीज़ किस हेड के अंदर आती है, बट बोर्ड में कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको इंस्टाग्राम पे कल अपलोड हो जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं. देन आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस, आपको उसका जो सल्यूशन है, जो क्वेश्चन अपलोडेड होंगे इंस्टाग्राम पे, वो आपको सल्यूशन अपलोड हो जाएगा ऑन द यूट्यूब ऑन द नेक्स्ट डे. तो हमें मोटिवेट करते रहे कि हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहे, उसके लिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप वीडियो देखते हो, आपको वीडियो कैसे पसंद आती है, क्या उसमें आप फीडबैक देना चाहते हो, बिकॉज आप अगर हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आपको भी अपना 1 मिनट निकालना पड़ेगा और आपको कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक लिखनी पड़ेगी, सो दैट वी गेट टू नो कि आपको किस तरह से वीडियो समझ आ रही है, कितना आ रहा है समझ, कितना हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं, सो दैट हम आगे फ्यूचर में जब न्यू वीडियोस बना रहे हैं, तो उसके लिए उन पॉइंट्स को कंसीडर करें. सो गिव योर फीडबैक सो दैट वी कैन प्रिपेयर वेल फॉर द नेक्स्ट वीडियो. एंड टिल देन, इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज ऑन दीज चैप्टर्स, सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. सो टिल देन, आप अपना ध्यान रखें और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें.